5 सितंबर देवताओं की गुरु बृहस्पति का है आज गुरुवार। कुंडली में बन रहा है शुभ योग, शुभ और लाभ के लिए आज आप कुछ स्पेशल करेंगे। वहीं चंद्रमा शनि का षडाष्टक दोष, किसी पुरानी बीमारी के चलते आप परेशान हो सकते हैं। चंद्रमा पर मंगल की दृष्टि होने से लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ गिले शिकवे दूर होंगे। अगर आप व्यापार में कोई समस्या फेस कर रहे हैं तो बताऊंगा विशेष उपाय। कार्यक्रम के अंत में एस्ट्रो ज्ञान में जानेंगे धनिष्ठा नक्षत्र के महत्व के बारे में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। आपकी समस्याओं के समाधान को लेकर मैं आ रहा हूं 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर में। बात हो चाहे जॉब की या फिर बिजनेस की हो, पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ की तकलीफ हो, या ग्रहों की किसी बुरी दशा से हम जूझ रहे हैं, तो समस्या शब्द बना है तो समाधान भी शब्द बना है। मैं करूंगा आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण और सही और सटीक वो उपाय जो आपकी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आप उसे पर्सनली मिलने के लिए दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, आप वहां पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको पूरा कंप्लीट जवाब मिल जाएगा। तो मिलते हैं जल्द सिंगापुर में। नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली और आप देख रहे हैं 5 सितंबर गुरुवार आज का राशिफल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय साथियों, आज एक बहुत बड़ा दिन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जयंती है, आज शिक्षक दिवस है और बाबा रामदेव जी की बीज भी है। प्रिय साथियों, शिक्षा का महत्व वही जान सकते हैं जिन्होंने शिक्षा से अपना जीवन निर्वहन किया है। शिक्षा का कोई समय नहीं होता है, यानी पढ़ने का कोई समय नहीं, जब चाहे तब आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। शिक्षा को अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू मानना शुरू कर दीजिए। एक शिक्षित व्यक्ति अपनी जिंदगी में हर मुश्किल का सामना कर सकता है। शिक्षा वह मित्र है जो आपको विपत्ति के समय साथ देती है, इसलिए अपने फील्ड में मैक्सिमम और बाकी सारे फील्ड में थोड़ा थोड़ा ज्ञान अर्जित करिए और अपने शिक्षक का हमेशा सम्मान करिए। इसी वक्त आंख बंद करके 10 सेकंड के लिए सही अपने शिक्षक, अपने गुरु को याद कर लीजिए। प्रिय साथियों, आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ की किसी समस्या को लेकर फिलहाल मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो मैं 7 और 28 सितंबर को दिल्ली में रहूंगा, 8 और 9 सितंबर को सिंगापुर, 10 11 12 13 सितंबर मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया, 14 15 16 सितंबर सिडनी ऑस्ट्रेलिया में रहूंगा। भारत लौटने पर 21 सितंबर मुंबई, 22 सितंबर नागपुर, 29 सितंबर को लखनऊ रहूंगा। आप चाहें तो यहां पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। प्रिय साथियों, कौन सी गलत आदतें घर में लाती है धन की कमी और फैलाती है अराजकता यानी ग्रह कलेश, इस विशेष कार्यक्रम को आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आप इस लिंक को जाकर चेक कर सकते हैं, उस एपिसोड को देख सकते हैं। चंद सेकंड आप लोगों लूंगा आज की कुंडली और आज के पंचांग को लेकर। आज दोपहर में 12:21 तक द्वितीय और बाद में तृतीय तिथि रहेगी। आज पूरे दिन हस्त नक्षत्र रहेगा और ग्रहों से बनने वाले वाशी, आनंदादि, सुनफा, बुधादित्यों का साथ मिल ही रहा है, लेकिन एक नया शुभ योग भी बन रहा है। अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ है तो शश्यु का लाभ मिलेगा। चंद्रमा आज भी कन्या राशि में रहेंगे और आज चंद्र केतु का ग्रहण दोष भी रहेगा। आज के दिन शुभ और मांगलिक कार्यों के लिए शुभ समय की तलाश में तो 2 बार मिलेंगे, सुबह 7 से 8 शुभ का और शाम को 5 से 6 भी शुभ का चौघड़िया रहेगा। लेकिन दोपहर को 1:30 से 3 बजे तक राहु काल के समय शुभ और मांगलिक कार्य न करें तो बेहतर है। राशिफल की शुरुआत मेष राशि से करते हैं। पुरानी किसी मानसिक या शारीरिक बीमारी में कमी या उससे छुटकारा मिल सकता है। कुंडली में शुभ योग के बनने से वर्क प्लेस पर आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के साथ आप ज्यादातर काम कंप्लीट कर पाएंगे और आपका मन भी आज काम में लगेगा। एम्प्लॉयड पर्सन की कार्य कुशलता यानी वर्किंग एफिशिएंसी को देखकर उनके कई सहयोगी उनसे जेलस रखेंगे। इसके साथ ही आपकी गरिमा और आपके काम को क्षति पहुंचाने का काम भी वो कर सकते हैं। बिजनेस पर्सन अपने स्वभाव में विनम्रता और सरलता लाएंगे तो ग्राहक इससे खुश होंगे और इसी गुण के कारण आप अधिक से अधिक कस्टमर को अपने साथ जोड़ पाएंगे। जो लोग पैतृक व्यवसाय कर रहे हैं, फादर का बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ी सजगता के साथ काम करिए। भले ही आपके पास अधिकार कम हो लेकिन काम पर ध्यान दीजिए, विस्तार पर ध्यान दीजिए। कंपटीशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट अगर घर से दूर पढ़ाई करेंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे और नशेबाज दोस्तों से दूर रहें वरना आप किसी गंभीर समस्या में फंस जाएंगे। घर में इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए शुभ है। अगर आपका मूड आज ऑफ है तो उन लोगों से मिलिए जो दिल के करीब है। पॉजिटिव थिंकिंग आपकी आज उन्हीं लोगों के साथ मिलने पर बनेगी। आर्थिक मामलों को लेकर परिवार से चर्चा जरूर करें लेकिन विवाद से बचना चाहिए। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले लोगों को आज एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहिए। अपने फील्ड में कुछ नया पढ़ना लिखना सीखना चाहिए और उसे अप्लाई भी करना चाहिए।
शुभ योग के बनने से वर्क प्लेस पर आप अपने स्मार्ट काम से और अपनी स्ट्रेंथ को और बेहतर करते हुए बॉस को प्रसन्न कर देंगे। एम्प्लॉयड पर्सन को यानी जॉब करने वाले लोगों को सीनियर या कोवर्कर्स के साथ सुर ताल और लय बिठाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। आज उधार देने और उधार लेने से बचना चाहिए, वरना ना तो चुका पाएंगे और दिया हुआ ले नहीं पाएंगे। व्यापारी लोग जिस काम को लेकर काफी समय से प्रयास कर रहे थे, अब इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली है। कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हुए स्टूडेंट को अपने टॉपिक और अपने विषय पर बिल्कुल क्लियर थॉट रखने चाहिए और टीचर कोच मेंटोर का आशीर्वाद देकर आप अपने काम को बेहतर कर पाएंगे। प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ शादी का कोई दबाव न बनाए और शादी हो चुके तो किसी और काम के लिए दबाव बनाना आज उचित नहीं है। घर परिवार में निरंतर संबंधों में अगर आंच आ रही, ग्रह कलेश चल रहा है तो आज घर वालों के साथ बैठकर कोई त्याग करके आप घर में शांति ला सकते हैं। मिथुन राशि, जमीन और जायदाद के मामले सुलझाइए इससे पहले और उलझ जाए, चाहे वो खरीदना है, बेचना है, रिनोवेशन, डॉक्यूमेंटेशन, कोई भी काम है। ग्रहण दोष के बनने से कोवर्कर्स के साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन पर टिक्का टिप्पणी करके आप अपनी इमेज खराब करने वाले हैं। बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं तो हर एक को अपने साथ लीजिए। जॉब करने वाले लोगों को मेहनत के अनुपात में आज लाभ नहीं मिलेगा, मन इससे परेशान रहेगा, लेकिन मायूस मत होइए, जल्द आपके लिए समय अच्छा आने वाला है। बिजनेस पर्सन आज नुकसान की अगर आशंका हो तो वो डील नहीं करे, कॉन्ट्रैक्ट कोई भी जरूर नहीं कि हमेशा कॉन्ट्रैक्ट ही दिलवाए। यदि कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आज सिर्फ प्लानिंग करनी चाहिए। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स की परफॉर्मेंस आज ट्रैक पर नहीं आएगी, क्योंकि लेट लतीफी, आलस्य और लापरवाही के साथ ओवर कॉन्फिडेंस आपको परेशान करेंगे। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर आपको आज शांति से काम लेना चाहिए, वरना आपके पार्टनर कहेंगे कुछ और, आप कुछ और समझेंगे, कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। माँ बाप को चाहिए कि हर बच्चे की जिद या बच्चे की हर जिद को पूरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा करने पर बच्चे गलत ट्रैक पर जा सकते हैं। पुरानी किसी बीमारी के चलते आज आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। कर्क राशि, साहस, करेज और एंथुजियाज्म में कैसे डेवलपमेंट हो, आज लिस्ट बनाकर अपने डे को डिजाइन करें। जॉब करने वाले लोगों को रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने से पहले अपनी कैपेसिटी का आकलन करने के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए, वरना मैस हो जाएगा दिन। एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिन शुभ संकेत लेकर आ रहा है। आपको नई जॉब या जॉब में कुछ नयापन आज देखने को मिल सकता है। यदि आपने कर्ज ले रखा है तो उसे चुकाएंगे कैसे, इस पर चिंतन और मंथन जरूर करना चाहिए, वरना आपकी इमेज कोई खराब कर सकता है। पार्टनरशिप में बिजनेस करने वाले लोगों को किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए, अगर ऐसा करते हैं तो आपकी आंखें खोलने का काम भी वही करेंगे। आपको अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करते समय किसी व्यक्ति के परिवार को लेकर कोई बातचीत नहीं करना चाहिए, लिमिट क्रॉस नहीं करें, वरना आज आप दुखी हो जाएंगे। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स कुछ नया करने के बारे में सोच रहे थे तो आज टीचर की सलाह से वो काम पूरे हो सकते हैं। खर्चे ज्यादा और आमदनी कम आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कोई भी गैजेट्स खरीदना है तो आज का दिन शुभ है, लेकिन गैजेट्स का यूज आज ज्यादा नहीं करना चाहिए। प्रिय साथियों, आइए अब चार राशि की बात आपको बताते हैं गुरु मंत्र में कि व्यापार अगर आप कर रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की समस्या चल रही है तो आप व्यापारिक स्थान के नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर को गंगा जल से धोकर वहां पर विष्णु भगवान की मूर्ति चित्र और उसे स्थापित करने के बाद पीले वस्त्र में स्थापित कर दीजिए और फिर सूखी हल्दी, केसर और गंगा जल मिलाकर स्वास्तिक बनाएं और गंध, पुष्प, धूप, दीप और प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद गुड़ का भोग लगाएं और फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, उसे सुन लीजिए। व्यापार में आ रही समस्याओं का आपको निवारण मिलना शुरू हो जाएगा। सिंह राशि, पैसे से पैसा कमाने के लिए आज सावधानी रखें, क्योंकि कोई घाटे की डील आप कर सकते हैं। शुभ योग के बनने से ऑफिस का कामकाज हल्के में नहीं लें और पेंडिंग काम को नए अंदाज में पहले पूरा कर लीजिए, उसके बाद ही आपको नए काम लेने चाहिए और फ्री होने पर दोस्तों और परिवार को वक्त रहते वक्त देना चाहिए। एम्प्लॉयड पर्सन आज अपने आसपास के कोवर्कर्स के साथ मामूली बातों पर तूल पकड़ने का काम करेंगे, तनाव बढ़ाने का काम करने वाले हैं। जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में आप शॉर्टकट अपनाएंगे और भारी नुकसान आपको वहन करना पड़ेगा। आर्थिक संकट अगर है तो बढ़ते खर्च को रोकना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट आर्टिस्ट और प्लेयर्स अपने काम पर फोकस रहिए और कंसिस्टेंसी पर ध्यान दीजिए, यानी लगातार प्रयास। स्वयं में जबरदस्त बदलाव आप महसूस करेंगे। एक पल के लिए ऊर्जावान अगर आप हैं तो तनाव वाले लोग और एनवायरमेंट से तुरंत दूर हट जाइए, पूरा दिन एंजॉय वाला रहे। ऑफिस से घर आते वक्त परिवार के लिए कुछ स्पेशल लेकर आइए, कुछ सरप्राइज करिए। बात करते हैं कन्या राशि की। मन थोड़ा घबराहट, बेचैनी, डर और चिंता, विचलित और अशांत रहेगा। इसके लिए योग और प्राणायाम, अच्छा म्यूजिक आपका साथ देगा।
वर्क प्लेस पर आप आत्मबल से युक्त रहेंगे। को वर्कर्स के साथ अहंकार की लड़ाई होने वाली है, इससे बचना चाहिए, संबंध खराब हो जाएंगे वरना। एम्प्लॉयड पर्सन को नए प्रोजेक्ट पर ध्यान देने से पहले पुराने प्रोजेक्ट का क्या हुआ है उस पर चिंतन और मंथन करिए। जो व्यापारी लोग हैं, बिना सोचे समझे स्टॉक भरने की कोशिश नहीं करें, पहले पुराना स्टॉक निकालें और जो माल ज्यादा चलता है उसी को खरीदने की कोशिश करिए। यदि किसी काम में जल्दीबाजी करते हैं और जल्दीबाजी में आप फैसला लेते हैं या इमोशंस में अगर फैसला लेते हैं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। अपनी क्षमता, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान कर, अपनी वीकनेस को पहचान कर ही आपको कोई वादे करने चाहिए, वरना आप दुखी हो जाएंगे। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स आज ज्ञान भी प्राप्त करेंगे और सही जगह पर उसका इस्तेमाल भी करेंगे। जो आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनकी परफॉर्मेंस ट्रैक पर आएगी। परिवार में आपकी एक अलग ही पहचान बनेगी, आप सबके चहेते जल्दी बनने वाले हैं। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करें, वरना लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में शंका यानी शक पैदा हो जाएगा। फैमिली की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आज आपको कुछ स्पेशल करने का मौका मिलेगा। तुला राशि, नई टेक्नोलॉजी और लीगल अवेयरनेस, कानूनी दाव पे थोड़ा आप भी सीख लीजिए ताकि आपके लिए सब शुभ हो सके। करियर के क्षेत्र में असफलता को देखकर परेशान न हो, बल्कि असफलताओं के जरिए अपनी कमी को पहचान कर उसे सीख कर एक नए प्रयास की ओर आगे बढ़े। जॉब करने वाले लोगों को या अनएम्प्लॉयड पर्सन को आज जॉब मिल सकती है और जॉब में कोई कमी है वो दूर हो सकती है। देरी से जो जॉब मिली है वो संतुष्टि लेकर जरूर आएगी। बिजनेस पर्सन को माल की खरीदारी करते समय लोकल कंपनियों की जांच परख कर लीजिए, वरना डिफेक्टिव पीस आपको कोई पकड़ा देंगे और आपको हानि पहुंचा देंगे। ग्रैंड दोष के बनने से बिजनेस पर्सन को किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से विवाद हो सकता है, टैक्स की कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लीगल कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट तैयार रहें, कभी भी आपको मौका मिल सकता है और दूसरे फील्ड में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं और वहां अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो। पेरेंट्स को आप खुश रखें बच्चे लोग, और पेरेंट्स का आशीर्वाद और उनके मार्गदर्शन से ही बेहतर दिन बनेगा। हार्ट पेशेंट, डायबिटिक और एंग्जाइटी मरीज के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। बदलता मौसम भी आपको बीमार कर सकता है, इसलिए अच्छी नींद, अच्छा म्यूजिक और थोड़ा योग और प्राणायाम, अच्छा भोजन आपको खुश कर सकता है। वृश्चिक राशि, आज आपका प्रॉफिट किस में है, आप दिन को कैसे बेहतर बनाएं इस पर चिंतन और मंथन करिए और लिस्ट बनाकर अपने डे को डिजाइन करते हुए आगे बढ़ोगे तो दिन आपके लिए यादगार और शानदार बन जाएगा। अनएम्प्लॉयड पर्सन अपने संपर्क को एक्टिव करें, कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिव करते ही कॉन्ट्रैक्ट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। जॉब करने वाले लोगों को नई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, अपने तौर तरीके और रूटीन को बदलना होगा, एंथुजियाज्म डेवलप होगा। बिजनेस पर्सन समस्याओं में उलझने की बजाय समाधान निकालने की तरफ ध्यान लगाइए। नए अवसर की अगर आप तलाश कर रहे हैं तो इनोवेटिव और क्रिएटिव आइडियाज आपको बाथरूम में भी आ सकते हैं, गाड़ी चलाते वक्त या कहीं सोफे पर बैठे हुए आ सकते हैं। पेन और पेपर हमेशा रखिए अपने पास, आइडिया आते लिखिए और एक आइडिया आपका दिन बना सकता है। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट आज कोई भ्रम जाल में फंसने वाले हैं, किसी की गलत सलाह से आप डिस्ट्रैक्ट होने वाले हैं। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर के गिले शिकवे दूर कर दीजिए। मैरिड लाइफ में स्थितियां थोड़ी नेगेटिव बन रही है, अपने पार्टनर का ख्याल रखिए। शुभ योग के बनने से पैतृक संपत्ति हो या अपनी संपत्ति हो, विवाद आज हल हो सकता है या उसका कोई रास्ता निकल सकता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, गर्दन, कंधा, पीठ और पैरों में जिनको तकलीफ है वो तकलीफ आज बढ़ सकती है, ख्याल रखिएगा। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब 8 राशि के बाद 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी स्पेशल बात करते हैं कि आखिर क्यों शिव जी ने काटा अपने ही पुत्र श्री गणेश का सिर। देखिए, पार्वती जी ने अपने देह के उबटन से एक बालक का निर्माण किया और उसे प्राण देकर अपना पुत्र बना लिया। वह बालक गणेश जी थे। पार्वती ने गणेश जी को अपने कक्ष की रक्षा करने के लिए कहा क्योंकि वो तैयार हो रहे थे और उबटन उतार रहे थे और किसी को भी अंदर आने का आदेश नहीं दिया था कि कोई अंदर ना आए। जब भगवान शिव अपनी तपस्या से लौटे और पार्वती जी के कक्ष में प्रवेश करना चाहा तो गणेश जी ने उन्हें रोक दिया, क्योंकि उनकी माता का आदेश था कि कोई भी अंदर ना आए। गणेश जी नहीं चाहते थे कि शिव जी उनके पिता हैं और शिव भी नहीं जानते थे कि गणेश जी उनके पुत्र हैं। गणेश जी के द्वारा रोके जाने पर शिव क्रोधित हो गए और शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और गणेश जी का सिर काट दिया और बाद में गणेश जी के सर पर हाथी का सिर लगा दिया गया। ये बड़ी कहानी है, लेकिन ये आपको ध्यान होना जरूरी है। बात करते हैं धनुराशि की। आपकी जॉब क्या है, आप किस काम से अपना दिन गुजारते हैं, उस पर थोड़ा परफेक्शन लाइए, थोड़ा रूटीन को बदलिए, एंथुजियाज्म आएगा। शुभ योग के बनने से वर्क प्लेस पर काम के प्रति समर्पण का भाव और हर काम को खुश रहकर करोगे तो जल्दी प्रमोशन और सैलरी हाइक का आशीर्वाद या आपको खुशी मिल सकती है। जॉब करने वाले लोगों को
इस बात को लेकर परख कर लेनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें आपको खुशी है या नहीं है, अपना रोल सही ढंग से निभा पाएंगे। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया के नेटवर्क को एक्टिव करना होगा, कस्टमर की संख्या जल्द बढ़ेगी। बिजनेस पर्सन अगर किसी नए एम्प्लॉय को लेना चाहते हैं, नए पार्टनर लेना चाहते हैं, नई कोई टीम खड़ी करना चाहते हैं या फिर नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, तो आज ये सब करना आपको खुशी दे सकता है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर का सपोर्ट आपके लिए आज शुभ लाभ वाला दिन बना देगा। स्टूडेंट, आर्टिस्ट और प्लेयर्स, मन को शांत रखें, जुबान को आराम दीजिए और चिंतन जितना करोगे उतना आपको अच्छी चीजें दिखेगी। जिन बच्चों का विवाह नहीं हुआ है आज उनके रिश्ते आ सकते हैं और जल्द बात पक्की होने वाली है। कल क्या होगा इस पर ध्यान मत दीजिए, आज इतना बढ़िया बनाएं कि आज में से ही कल निकल जाए। आपकी योग्यता यानी स्किल क्वालिटी एबिलिटी के अनुसार आप काम करेंगे, विरोधी इसी से परास्त हो जाएंगे। मकर राशि, अच्छे काम करने से भाग्य चमकेगा, कुछ स्पेशल करने का मन आज जरूर करेगा। ऑफिस में ऑफिशियल काम को योजनाबद्ध तरीके से करेंगे जिससे कम समय में अच्छी तरह से ज्यादा काम कर पाएंगे। एम्प्लॉयड पर्सन के ऑफिस में आपके काम की सराहना हो सकती है और सार्वजनिक रूप से आपको सम्मान भी मिलेगा। वहीं बिजनेस पर्सन को शेयर बाजार, वायदा बाजार, जमीन जायदाद में बेहतर डील मिल सकती है। शुभ योग के बनने से बिजनेस में पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट का क्या हुआ इस पर चिंतन मंथन करिए और फिर रोड मैप बनाकर आगे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट सजग रहें, सही दिशा में मेहनत करिए, दूसरों की सलाह पर नहीं अपने सेल्फ स्टडी पर चलिए। और आज आप किसी धूर्त व्यक्ति, व्यभिचारी व्यक्ति, नशेबाज व्यक्ति के संपर्क में आकर अपनी इमेज खराब करेंगे। अपनी कंपनी का ध्यान रखिए कि आप किस कंपनी में रहते हैं। सुख सुविधाओं को जरूर बढ़ाइए लेकिन ज्यादा कंफर्ट जोन में रहना भी अच्छा नहीं है। पैतृक संपत्ति के मामले परिवार के साथ बैठकर ही हल हो सकते हैं। आप अपने कोई भी विचार को थोपने का कोई काम नहीं करें। कुंभ राशि, अनसुलझे मामलों में अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो और ज्यादा उलझ जाएंगे। सोशल मीडिया रिलेटेड कोई एम्प्लॉय हैं आपके आसपास तो उन्हें एक्टिव करिए, उन्हें नई टेक्नोलॉजी दीजिए, नए सामान दीजिए ताकि वो आपके लिए बेहतर काम कर सके। एम्प्लॉयड पर्सन को मौन रहते हुए टारगेट पर फोकस करना होगा तभी आप काम कर पाएंगे। आप नहीं आपका काम बोले, आप बोलेंगे तो लक्ष्य से भटक जाएंगे। ग्रैंड दोष के बनने से बिजनेस पर्सन के दिन फेवर में पूरा नहीं है, कोई आपके साथ धोखाधड़ी कर सकता है। बिजनेस पर्सन को वर्तमान समय को देखते हुए जोखिम भरी संपत्ति में निवेश या इन्वेस्टमेंट शेयर बाजार में आज नहीं करना चाहिए। कॉम्पिटिशन अगर हेल्दी रहेगा तो स्टूडेंट की तैयारी एडवांस में रहेगी और दोस्तों के साथ फालतू टाइम आपको नहीं स्पेंड करना चाहिए, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। किस्मत भी अजीब है, किसी मामले में आपके साथ है तो किसी मामले में नहीं है, लेकिन तैयारी जो पुख्ता रखता है उस व्यक्ति को जब वो मौका मिलता है तो वो बेहतर काम करके दिखाता है क्योंकि तैयारी एडवांस थी। परिवार में यदि किसी का स्वास्थ्य खराब है तो आपकी भागदौड़ से, आपकी थोड़ी मेहनत से उनकी सेहत ठीक हो सकती है। लव पार्टनर और लाइफ पार्टनर में शक पैदा हो सकता है, रिश्तों में खटास आ सकती है। रिश्तों की डोर मजबूत करिए, ट्रांसपेरेंसी रखने के बाद ही ये हो सकता है। सेहत के मामले में वायरल फीवर आपको परेशान कर सकता है। मीन राशि, शादीशुदा है तो लाइफ पार्टनर, वरना लव पार्टनर वो भी नहीं तो दोस्तों के साथ संबंधों में मजबूती लाइए। ऑफिस में कोवर्कर्स, जूनियर और सीनियर के साथ अच्छे व्यवहार करें, उनको प्रसन्न रखें। एम्प्लॉयड पर्सन को कर्म प्रधान रहना है, फिजूल की बातों से आपको नहीं ध्यान देना चाहिए, ऑफिस में इंपॉर्टेंट काम को ही आपको तवज्जो देनी चाहिए। बिजनेस पर्सन को दिन की शुरुआत आप मंदी के बारे में सोचकर नहीं, आमदनी कैसे बढ़ाएं इस पर सोचकर करोगे तो आपको मंदी और खर्चे और कर्जे नहीं दिखेंगे बल्कि आमदनी कहां से हो सकती है वो दिखेगा। कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले स्टूडेंट, अज्ञात भय और किसी और के फेलियर होने का डर आपको सताएगा कि आप भी ऐसे होने वाले हैं। अपने शिक्षक का आशीर्वाद दीजिए, उनके ज्ञान के बदौलत आप बेहतर काम कर पाएंगे। आपके द्वारा यदि जाने और अनजाने में किसी का दिल दुखा है तो अगले की गलती पर माफ कर देना और अपनी गलती पर माफी मांग लेने में ही दिल आपका आज ठीक हो सकता है। नए रिश्ते जरूर बनाइए लेकिन नशेबाज लोगों से दूर रहिए। पारिवारिक वातावरण सुखमय बनाना है तो आज कोई त्याग करना पड़ेगा। बिगड़े स्वास्थ्य के लिए आराम, अच्छा भोजन और अच्छी नींद आपको खुश रख सकते हैं, ऊर्जावान बना सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आइए अब कार्यक्रम के अंत में दो बातें करते हैं। पहला, एस्ट्रो ज्ञान। धनिष्ठा नक्षत्र के महत्व को जानते हैं। इस नक्षत्र के स्वामी मंगल है, धन से संपन्न और सुख समृद्धिवान ऐसे लोग होते हैं। कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो उसका सामना करके अपने पक्ष में कर लेते हैं, अपने टारगेट को अपनी मेहनत और लीडरशिप क्वालिटी के द्वारा वो पा ही लेते हैं। ऐसे लोग शुभ और मांगलिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। कभी कभी जल्दी सफलता मिलने की वजह से इनके अंदर अहंकार आ जाता है
और महत्वाकांक्षा ज्यादा होती है और लोग इनके अनुसार काम नहीं करते तो ये इरिटेट भी बड़ी जल्दी होते हैं। दूसरी बात, अगर आज आपका जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी को स्पेशल डे है तो पानी से भरे हुए किसी भगोने में राई के पत्ते डालकर इस जल को ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र की एक माला जाप करते हुए इसे अभिमंत्रित कर दें। फिर इस पानी से आपको नहाना चाहिए। स्नान के बाद बृहस्पति देव को पीले पुष्प यानी अपने गुरु को पीले पुष्प और पीला नैवेद्य अर्पित करके उनकी पूजा करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। साथ ही किसी ऐसे बच्चे को स्टडी मटेरियल यूनिफॉर्म या स्कॉलरशिप के लिए या कुछ भेंट राशि दीजिए जो पढ़ाई तो करना चाहता है लेकिन किसी कारणवश कर नहीं पा रहा है। मेरे प्रिय साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। आप मुझसे पर्सनली मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अपॉइंटमेंट के द्वारा भी जुड़ सकते हैं। दिए गए नंबर पर संपर्क करके पूरी जानकारी हासिल कर सकते हैं। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद। जय गणेश, काटो कलेश। प्रथम पूज्य गणपति जी अगर आप पर मेहरबान हो जाए तो रिद्धि सिद्धि आपको देंगे, आपके हर काम को बना देंगे। अगर आपकी कुंडली में बुध कमजोर है तो गणेश जी की कृपा कमजोर रहेगी। लेकिन अब 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी पर गणेश जी पधार रहे हैं आपके घर रिद्धि सिद्धि देने के लिए। अगर आप उन्हें प्रसन्न कर लेंगे तो उनकी कृपा आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके लिए जोधपुर आध्यात्मिक साधना सिद्धि केंद्र ने बीड़ा उठाया है। विद्वान पंडितों के द्वारा श्री गणेश कृपा किट को हमने निर्मित और अभिमंत्रित किया है जिसे आपके द्वार पर भेजने जा रहे हैं। इस किट में संपूर्ण साधना विधि है जिससे गणपति बप्पा प्रसन्न होंगे। अभिमंत्रित अष्ट विनायक गणपति सुपारी, अष्ट विनायक गणपति कवच, अभिमंत्रित हकीक पत्थर, अनार की कलम, भोजपत्र, अष्टगन और अभिमंत्रित माला आप इसे दिए गए नंबर पर संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं ताकि आप सुख समृद्धि और शांति के साथ अपना जीवन जी सके। गणपति बप्पा मोरिया।